सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रेशम सिद्धू, तुसीं देख रहे हो फास्ट न्यूज़ टुडे। अज कालांवाली हलके च बीजेपी पार्टी दे नेता पिंड पिंड जाके जिहड़ी भारत की अखंड यात्रा उहदे बारे जानकारी दे रहे। जिहड़ी कुछ दिन पहलां केंद्र की सरकार ने धारा 370 कश्मीर तो हटा के अखंड भारत की एक सिरजना की है, उस नूं लैके बीजेपी के वर्करां च काफ़ी जोश है। पिंडा पिंडा जा के उन्हां नूं जिहड़ी भारत की अखंड यात्रा उहदे बारे जानकारी दे रहे कि किस तरह का नरेंद्र मोदी जी ने एक अखंड भारत की सिरजना की है, कि जिहड़ी काफ़ी समय तो अपने देश की एक समस्या बनी हुई सी धारा 370 उन्हों हटा के पिंडा पिंडा च जा रहे हैं। मेरे नाल कालांवाली दे प्रभारी है डॉक्टर गंगा सागर जी, उन्होंने अज एक काफिला शुरू किया कालांवाली तो, कालांवाली अनाज मंडी तो धारा 370 हटाने की खुशी च 370 मोटरसाइकलों का काफिला यात्रा जी शुरू की सी। वह इस टाइम बड़े गुड़े च पहुँचे, मेरे नाल उन्होंने गलबात करते हैं। सागर किरवाला जी, किन्ने बजे चले से और किहड़े किहड़े पिंडां विच तुहाडा काफला रहे? अज सवेरे असीं कालांवाली अनाज मंडी तो 10 बजे चले सी, ते उह साइड दे जलालणा, चकेरियां, केवल, तख्तमल, तलोके वाला, तारुआणा, दादू, इस तरह के सारे पिंड जिहड़े उस साइड के सारे पिंड करदे होए तुहाडे पिंड बड़ा गुड़ा पिंड जिहड़े पहुंचे हैं। तो अखंड भारत यात्रा जिहड़ी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिहड़ी केंद्र दे विच भाजपा की सरकार है, उसने कश्मीर में धारा 370 जिहड़ी तोड़ी है, वह बहुत वड्डा कम है। इतिहास, भारतीय इतिहास का बहुत वड्डा कम है एक, क्योंकि वो कश्मीर की धारा जिहड़ी है वो धारा नहीं सी, एक वो अपने देश वास्ते नासूर बन चुका सी, उस नूं कट के बाहर फेंक है। हुण कश्मीर जिहड़ा है भारत का अभिन्न अंग, जिहड़ा भारत का हिस्सा परमानेंट बन चुका है। तो जिहड़ा सपना साढ़े देश के बुजुर्गों ने सोचा सी, देखा सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा सी, बाबा साहब अंबेडकर ने देखा सी, जिहड़ा सपना वो सपना पूरा करन वास्ते नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार जिहड़ी है वो अगे वध रही है। तो जल्दी ही अखंड भारत का सपना जिहड़ा है वह भी पूरा होगा। भारत जिहड़े बुजुर्गों ने जिहड़ा सोचा सी, जिहड़ा अखंड भारत जिहड़ा पुराना प्राचीन भारत सी अपना सारा वड्डा, वह जिहड़ा सपना है भाई वह जल्दी छेती जिहड़ा है वह पूरा होगा। तो भारतीय जनता जिहड़ा जिहड़ी है, भारत के लोग जिहड़े है, उन्हां दा भी मैं शुक्रगुजार हाँ, उन्हां दा भी धन्यवाद करदा, क्योंकि वह एक इस तरह की सरकार लेके आई है केंद्र दे विच, दोबारा रिपीट करके लेके आई है। नरेंद्र मोदी अमित शाह जी जोड़ी जिहड़ी है वह भारत दे वास्ते सिर्फ सोचती है, तो इस करके उन्हां दा धन्यवाद करन वास्ते असीं अज चले हां कालांवाली तों, ते पिंडां दे बप्पां विच जिहड़ा है वह समापन करांगे असीं। ते सारे नाल जिहड़े तुसीं देख रहे हो काफिला, साडा कार्यकर्ता मोटरसाइकिल दे चल रहे ने, सवेर दे चले हुए हैं, ते बहुत जोश है, बहुत ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਗਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 30-35 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਗੁੜਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੁਡੇ। ਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।